दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 5 अक्टूबर से हो रही है। तो वहीं इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा, जिसके लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कोच राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर इस वर्ल्ड कप के महामुकाबले के लिए भारत की खतरनाक प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी। तो वहीं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले इस वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले के लिए घोषित की गई इस प्लेइंग 11 में कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने दो ऐसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया जिन्होंने हाल में ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज में अपने जबरदस्त प्रदर्शन से भारतीय टीम को सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। तो आखिरकार कौन है ये दोनों खतरनाक खिलाड़ी जिन्हें कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया है? आखिरकार क्या कसूर है इन खिलाड़ियों का जिसकी वजह से कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने इन्हें प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तान के खतरनाक खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान में कौन है ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाज? वीडियो में कॉमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथियों, आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दें कि इस बार आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत 5 अक्टूबर से हो रही है और इस वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 5 अक्टूबर यानी कल खेला जाएगा। तो वहीं भारतीय टीम का इस वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला भारत की चिर प्रतिद्वंदी टीम ऑस्ट्रेलिया से 8 अक्टूबर को खेला जाएगा। तो साथियों, चलिए जानते हैं कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा घोषित की गई भारत की खतरनाक प्लेइंग 11 जो आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को दिखने वाली है। तो साथियों, रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ के द्वारा घोषित की गई इस प्लेइंग 11 में भारतीय टीम की तरफ से ओपन करते हुए दिखने वाले हैं भारत के ही नहीं दुनिया के नंबर 1 ओपनर बल्लेबाज। जी हां साथियों, आप समझ गए होंगे हम किस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की, और रोहित शर्मा जितना बड़ा ओपनर बल्लेबाज क्रिकेट के इतिहास में आज तक पैदा नहीं हुआ। रोहित शर्मा ने एक दिवसीय मुकाबलों में ओपनिंग करने की शुरुआत 2013 के चैंपियन ट्रॉफी से की और तब से लेकर आज यानी लगभग 10 साल से ऊपर हो गए रोहित शर्मा एक दिवसीय मुकाबलों में भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करते नजर आए हैं। इस दौरान रोहित शर्मा ने एक नहीं बल्कि अनेकों रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जैसे कि ओपनिंग करने के दौरान रोहित शर्मा के बल्ले से 3 दोहरे शतक निकले हैं और एक दिवसीय मुकाबलों में 3 दोहरे शतक लगाने वाले वो विश्व के पहले बल्लेबाज हैं। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए रोहित शर्मा ने विश्व क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक रन और सबसे अधिक 27 शतक भी रोहित शर्मा के नाम है। रोहित शर्मा के साथ आपको ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं भारतीय टीम के यंग स्टाइलिश बल्लेबाज शुभमन गिल, और गिल ने 2023 में एक दिवसीय मुकाबले में कुल 6 शतक ठोककर पूरी दुनिया को यह एहसास दिला दिया कि आने वाले समय में क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल के नाम का सिक्का चलने वाला है। तो चलिए साथियों, इसी क्रम में जानते हैं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ के द्वारा घोषित की गई इस प्लेइंग 11 में हम तीसरे नंबर के खिलाड़ी के बारे में जो आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में भारतीय टीम में दिखने वाला है। तो साथियों, उस खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली, और हम बात करें विराट कोहली के एक दिवसीय मुकाबलों में प्रदर्शन की तो विराट कोहली ने विश्व क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन और सबसे तेज 47 शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस नजरिए से विराट कोहली वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे। तो साथियों, चलिए जानते हैं कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ के द्वारा घोषित की गई इस प्लेइंग 11 में हम चौथे नंबर के खिलाड़ी के बारे में जो आपको वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मुकाबले में दिखने वाला है। तो साथियों, उस खिलाड़ी का नाम है श्रेयस अय्यर, और बात करें श्रेयस अय्यर की तो पिछले 2 सालों से चोट के चलते इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर रहने वाले अय्यर ने हाल में ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज में विस्फोटक शतक लगाकर वर्ल्ड कप के ठीक पहले न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की बल्कि अपने शानदार फॉर्म के भी संकेत दे दिए हैं जो वर्ल्ड कप के नजरिए से भारतीय टीम के लिए बेहतर संकेत हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत की इस प्लेइंग 11 में हम पांचवें नंबर के खिलाड़ी के बारे में। तो यहां साथियों, आपको पांचवें नंबर पर दिखने वाले हैं भारतीय टीम के स्टाइलिश विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल, और बात करें केएल राहुल की तो पिछले 2 सालों से अपने खराब प्रदर्शन की वजह से टीम में अंदर बाहर होने वाले केएल राहुल ने एशिया कप के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेलकर तो वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन करके भारतीय चयनकर्ता और भारतीय टीम मैनेजमेंट को यह एहसास दिला दिया कि केएल राहुल को एशिया कप और वर्ल्ड कप में चुनकर उन्होंने कोई
चलती नहीं की। तो आइए साथियों जानते हैं कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ के द्वारा घोषित की गई इस प्लेइंग 11 में हम छठे नंबर के खिलाड़ी के बारे में, जो आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से दिखने वाला है। तो साथियों उस खिलाड़ी का नाम है ईशान किशन। और बात करें हम साथियों ईशान किशन की काबिलियत की, तो ईशान किशन के अंदर आखिरी के कुछ ओवर में ताबड़तोड़ और विस्फोटक बल्लेबाजी करने के साथ साथ टीम की खराब स्थिति में धैर्य भरी पारी खेलकर भी टीम की नैया पार लगाने की काबिलियत है, जिसे ईशान किशन ने हाल में ही साबित किया पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में 82 रनों की पारी खेलकर, वो भी विपरीत परिस्थितियों में। यहां तक रही साथियों भारत की मजबूत बल्लेबाजी क्रम, अब यहां से हम जानेंगे भारत के खतरनाक ऑलराउंडर और घातक गेंदबाजों के बारे में, जिन्हें कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया है। भारत की इस प्लेइंग 11 में बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों की लिस्ट में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उस खिलाड़ी के बारे में जिसका स्थान आज के दौर में कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं ले सकता। जी हां साथियों आप समझ गए होंगे हम किस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं। साथियों हम बात कर रहे हैं हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के बारे में, और साथियों हार्दिक पांड्या की क्षमता के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए साथियों जानते हैं इस प्लेइंग 11 में हम 8वें नंबर के खिलाड़ी के बारे में, जो आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वर्ल्ड कप में भारत की प्लेइंग 11 में दिखने वाला है। तो साथियों उस खिलाड़ी का नाम है रविंद्र जडेजा। साथियों बात करें रविंद्र जडेजा की, तो हार्दिक पांड्या की तरह रविंद्र जडेजा भी अपनी खतरनाक गेंदबाजी के साथ साथ विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और हार्दिक पांड्या की तरह जडेजा भी इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित होने वाले हैं। तो साथियों आइए जानते हैं 8 नंबर के बाद हम 9वें नंबर के खिलाड़ी के बारे में। तो साथियों यहां 9वें नंबर पर आपको दिखने वाले हैं चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव। और साथियों बात करें कुलदीप यादव के प्रदर्शन की, तो हाल में ही खेले गए एशिया कप में कुलदीप यादव ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से पाकिस्तान श्रीलंका जैसी खतरनाक टीमों के खिलाड़ियों की कमर तोड़ के रख दिया। तो चलिए साथियों जानते हैं 9 नंबर के बाद भारत की प्लेइंग 11 में हम 10वें और 11वें नंबर के खिलाड़ी के बारे में। तो साथियों भारत की प्लेइंग 11 में 9वें और 10वें नंबर पर आपको दिखने वाले हैं भारतीय टीम के खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी ने पिछले कुछ दिनों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जिस तरीके से तबाही मचाई है, उसे देखकर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस वर्ल्ड कप में ये दोनों खिलाड़ी भारत को वर्ल्ड कप दिलाने में सबसे अहम योगदान देंगे। तो चलिए साथियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिरकार कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने किन दो खतरनाक खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के इस पहले मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया है, जबकि उन्हीं दोनों खिलाड़ी ने भारत को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज में भारतीय टीम को यह सीरीज दिलाने में अहम योगदान दिया था। तो चलिए साथियों जानते हैं वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घोषित की गई इस प्लेइंग 11 में हम पहले नंबर के खिलाड़ी के बारे में। तो साथियों उस खिलाड़ी का नाम है मोहम्मद शमी। साथियों कहा जाता है मोहम्मद शमी जैसा खिलाड़ी जो सीन के सहारे दुनिया की खराब से खराब पिच पर भी गेंद को स्विंग कराने की क्षमता रखता है, और उसे ही कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया है, जिसे देखकर भारतीय टीम के दिग्गजों ने निराशा जाहिर की है। तो चलिए साथियों जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घोषित की गई इस प्लेइंग 11 में हम उस दूसरे खिलाड़ी के बारे में, जिसे कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद भी भारत के प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया है। जी हां साथियों उस खिलाड़ी का नाम है सूर्या कुमार यादव, और सूर्या ने हाल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में विस्फोटक 50 रनों की पारी, तो वहीं दूसरे मुकाबले में महज 37 गेंदों पर शानदार 71 रनों की पारी खेली थी। इस दौरान उनके बल्ले से 7 गगनचुंबी छक्के भी निकले थे। साथियों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के इस पहले मुकाबले में भारत के प्लेइंग 11 में सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शमी को न देखकर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ने निराशा जताई है। साथियों रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ के द्वारा घोषित की गई इस प्लेइंग 11 को देखकर आपको क्या लगता है कि इस प्लेइंग 11 में बदलाव की जरूरत है, और अगर बदलाव की जरूरत है तो किन खिलाड़ियों के स्थान पर सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए? वीडियो में कॉमेंट करके बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।